राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में विशाल जनसभा में राहुल गांधी शामिल हुए। जनसभा में लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। राहुल गांधी के अलावा मंच पर जय जय राम और रमेश भूपेश बघेल, दीपांकर भट्टाचार्य और प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, तारिक अनवर, शकील अहमद खान समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। तो वही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खराब मौसम की वजह से जनसभा में शामिल नहीं हो सके, तो मंच से अपने संबोधन में राहुल गांधी जमकर गरजे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन अकेले ही काफी है, नीतीश जी की जरूरत नहीं है। हमने नीतीश जी पर दबाव डालकर जाति जनगणना करवाया। बीजेपी नहीं चाहती थी जाति जनगणना कराना। हमने नीतीश जी से कहा था कि आपको बिहार में जातिगत जनगणना करवानी होगी, हम आपको छूट नहीं दे सकते। तो अब समय आ गया है कि हिंदुस्तान का एक एक्सरे किया जाए, ताकि पता चले कि इस देश में किसकी कितनी आबादी है, लोगों की गिनती हो जाए, या पता चले कि देश में किस वर्ग के कितने लोग हैं, देश में कितने गरीब और कितने अमीर हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि बिहार के मखाने को यहाँ के किसान अपना खून पसीना देकर घंटों पानी में बैठकर तैयार करते हैं। 10 किलो मखाना अमेरिका में 1.5 लाख रुपए का बिकेगा, लेकिन यहाँ हमारे किसानों को इसके सिर्फ 2500 रुपए मिल रहे हैं। किसानों की मेहनत का पैसा किसानों के हाथ में नहीं जा रहा है, इसी को आर्थिक अन्याय कहते हैं। आपको मजेदार भी चाहती है कि आपका इधर ध्यान जाए, उधर ध्यान जाए, आगे पीछे ध्यान जाता जाए, मगर सामाजिक न्याय पे गलती से भी आपका ध्यान ना चला जाए। नीतीश जी बीच में फंस गए और बीजेपी ने उन्हें रास्ता निकलने का रास्ता दे दिया और नीतीश जी उस रास्ते पे निकल गए। सामाजिक न्याय देने की जिम्मेदारी बिहार में हमारे गठबंधन की है। नीतीश जी की यहां कोई जरूरत नहीं है, यहां पे हम अपना काम कर लेंगे। मिलके हमारा गठबंधन यहां पे जो करना है कर देगा। सिर्फ ये कह रहा हूं कि समय आ गया है कि हिंदुस्तान का एक एक्सरे हो जाए। एक एक्सरे हो जाए, उसके बाद एमआरआई भी हो सकता है, मगर पहले एक एक्सरे हो जाए कि इस देश में किसकी कितनी आबादी है, लोगों की गिनती हो जाए। जनरल कास्ट के इतने लोग हैं, उसमें से अमीर इतने हैं, ओबीसी जात के इतने लोग हैं। माला अमेरिका में 1,50,000 रुपए के लिए जाएगा, गलती कर दी सॉरी, 1.5 लाख रुपए के लिए ये अमेरिका में बिकता है, और यहां पे हमारे किसान को 250 रुपए प्रति किलो, 2,500 रुपए 10 किलो के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये पैसा जा कहां रहा है, ये जा कह रहा है, किसके हाथ में जा रहा है? ये किसान के हाथ में तो नहीं जा रहा ना। तो ये देखिए, इसको कहते हैं आर्थिक अन्याय। निश्चित रूप से कोई भी राष्ट्र तभी आगे बढ़ सकता है कि जिसमें समाज के सभी लोगों का विकास हो, गरीबी से लोग को दूर करे। तो जब आर्थिक न्याय मिलेगा तो लोग गरीबी से दूर जाएंगे, और गरीब का बेटा प्रधानमंत्री है, पूरे देश को गरीब बना दिया और देश को बेच के अमीर के हाथ में दे दिया। वही राहुल गांधी जी गरीब को न्याय दिलाने के लिए, सामाजिक न्याय के जो व्यक्ति हैं उसको न्याय दिलाने के लिए, जो आर्थिक असमानता है उसको न्याय दिलाने के लिए, ये केवल अडानी और अंबानी के हवाले से देश नहीं चलेगा। महिलाओं को जो उत्पीड़न हो रहा है मणिपुर से, इसलिए उन्होंने शुरू किया, तो इनको बताना होगा जो गरीब के बेटा है सहंसा।